गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शंभो इस नए व्लॉग में। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने शिवाशो केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद पैदल यात्रा करते हुए सोनप्रयाग भोले बाबा तक की अपनी के यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की। आज हम आपको लेकर चलते हैं सोनप्रयाग से गुड़गांव, अपनी प्यारी सी वैगनार में आपको यात्रा कराते हैं सुंदर सुंदर नज़ारों के। और देखिए पहाड़ियों की चोटियों चोटी पर क्या सुंदर बर्फ जमी हुई है, और यह नज़ारा देखते ही दिल मंत्रमुग्ध हो जाता है। और मतलब इस यात्रा को वापसी में नीचे जाते समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने एक जंग जीत ली हो, एक किला फतेह कर लिया है। मन में एक असीम ये शांति देखिए, ये है मेरी और बेटी विश्वास के विमला, साथ हम वापस और चल रहे पीछे हैं घर बोर्ड की तरफ। गौरीकुंड 1 किलोमीटर। बाबू ये कैसा लग रहा है आपको सुन के? हाँ, गौरीकुंड 1 किलोमीटर बचा है। आप भी आपके क्या विचार है इस बारे में? बहुत अच्छा। क्या ये 1 किलोमीटर हम सकुशल कटेंगे? आपका बेस्ट मोटिवेशन क्या रहा है इस ट्रिप में? मुझे नींद नहीं आ रही है। बाबू को नींद नहीं आ रही है, इसलिए हम जाएंगे फास्ट फास्ट। चलो बाबू, ये माता रानी जा रही है। बाय। आ रहा हूँ। देखिए जी, ये आ गया हमारा गौरीकुंड। अब यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, सोनप्रयाग पहुँचेंगे और आज की रात को करेंगे गुड नाइट। बहुत लंबा ट्रिप हो गया भैया। शेड्यूल ले आओ, मिल्की को ले आओ। तो देखिए जी, ये व्यू है। ये लाइन लगी हुई है सवेरे दर्शनार्थियों की। ये सामने जो दिख रहा है आपको वो है गाड़ियों की पार्किंग, जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। और बिल्कुल मेन रोड पे ही है गेस्ट रूम ना। ये देखिए, ये चिंता जा रही है। ये सामने जाएंगे, वहाँ से टैक्सीज मिलती है गौरीकुंड के लिए। और भाई साहब, ये है व्यू। जस्ट awesome. अभी मैं टेम्परेचर चेक किया था, तापमान है 7 डिग्री। ये इस बार हम लोगों ने डीलक्स रूम लिया है, यहाँ पे ऊपर जाके रूम है। एंड बस तैयार होते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बोलो जय बोले बोले की बाबा की जय। हर हर महादेव। सी यू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। ये है सोनिया सिंह, नहीं ये तो है अग्रिमा सिंह, ये है सोनिया सिंह, और इनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे घर के कुंभकर्ण हैं, जो एक बार सोते हैं, पहले तो सोते नहीं, और अगर ये सो जाते हैं तो उठने का नाम नहीं लेते। और ये है हमारा फ्रेश लुक फ्रॉम सोनप्रयाग। आपको दिखाया जाएगा सोनप्रयाग के नज़ारे। देखिए, ये हमने कैमरा काम कर दिया। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है गाड़ियों की पार्किंग। ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं शरणार्थ भक्तजन, दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए पैदल ऐसे यहाँ से लाइन जाती है। और इस तरफ है, मैं आगे नीचे जाके दिखाऊंगा आपको। अभी हम लोग टॉप फ्लोर पर हैं। वेरी नाइस व्यू। मिलते हैं आगे। सी यू। बाय। गो। शिव शंभो शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। नमस्कार दोस्तों, समय हुआ है दोपहर की 11:45। हमने लिया था एक ब्रंच ब्रेक, जिसमें हमने खाया नोटियल रेस्टोरेंट फास्ट फूड सेंटर में ब्रेकफास्ट कम लंच, जिसमें था मसाला डोसा, पराठा और बर्गर। तो चलते हैं आगे, मिलेंगे आपसे आगे। सी यू। बाय। सोनप्रयाग से गुड़गांव के सफर में कई इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले कि जिनके बारे में जो कहा जाए वह कम है। ये देखिए, रुद्रप्रयाग से पहले हमें एक लेक मिली, जो कि बेसिकली एक डैम था, और ये एकदम ग्रीनिश इसमें पानी नज़र आ रहा था, जिसको देखकर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने मिल्की को कहा कि मिल्की बेटा इसकी रिकॉर्डिंग बनाओ। और देखिए साहब, इतने सुंदर नज़ारे कहाँ मिलेंगे अपने शहरों में।
तो भाइयों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रुद्रप्रयाग शहर। रुद्रप्रयाग शहर को ये जो हाईवे है ये बाईपास कर जाता है, बाहर बाहर से इन्होंने रोड बनाया हुआ है। और अभी दोपहर का 1 बजा था, और अभी जो नदी है जो गंगा मैया है वो हमारे लेफ्ट साइड में आ गई है, पहले हमारे राइट साइड में थी। और कहा जा सकता है कि रोड कंडीशन अच्छी थी, ठीक ठाक थी। देवप्रयाग के आसपास थोड़ी टूटी रोड मिली, अदरवाइज तो देखिए एकदम सरपट रोड चल रही है। ऑब्वियसली पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा ध्यान रख के चलाना पड़ता है, बट अदरवाइज बढ़िया रोड थी और किसी तरह की कोई समस्या हमें नहीं मिली इस रोड के दौरान। हाँ, कई बार सामने से आते हुए या जो लोकल ड्राइवर्स थे स्पेशली बसेस वाले और वो सब चीज़ें, वो थोड़ा रैश चलते थे, बट अगर आप अपने आप को संभाल के चलो तो ऐसी कोई परेशानी ज़्यादा आई नहीं। धन्यवाद। कई बार आप देवप्रयाग में की आपका टीचर स्वागत भी है। हुई इस दिख रही बार है की यात्रा आपकी के क्लासेस। दौरान उसके अलावा हमारा जो भी टैबलेट है जो आपको गाड़ी में लगा रखा लैंग्वेज में था इतना उसने कॉन्टेक्स्ट बहुत ही था बढ़िया परफॉर्म किया। कि जो हम भी बचपन में टीचर्स जब बनवा पाते थे, सोनिया लेकिन रेस्ट आपका करती कॉन्टेक्स्ट थी, कहाँ मिल्की से भी आ रहा थकी है, रहती मैंने थी, इसे बचाया। और कुछ क्या सीखा आपके देर माँ को बाप से, मोटिवेट पेरेंट्स करने से, को होता नहीं था, मैंने बोर स्कूल होने में लगता रहता, था। स्कूल किसी भी तो मैं पेरेंट अपनी मनपसंद के साथ चीजें बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे कि सब अभी कुछ मैं सेम ये बात नहीं कर पाते। क्यों? ये क्योंकि परिवेश है, जाकिर खान परिवार भाई का का परिवेश है इंटरव्यू देख आपका। रहा था, तो आपकी इन सब चीजों को फैमिली सुन जो के है मोटिवेट वो होता भी हुआ बात जो भी यात्रा बात अपनी है वो कंटिन्यू ना करते वहां थे। से आप तो सीखते हो कुछ चीजें, काफी ऑब्वियसली अच्छा ट्वेंटी मतलब फोर सेवन चीजें एक्सपीरियंस वहां रहा पे। हाँ, ये आपकी यात्रा जिंदगी का। में 24 घंटे उसमें लेकिन लगे रहते हैं, हाँ आप सोलह थोड़ा और सा 18 में से ये है आप कि फिर वीडियो बारह में देखता नहीं स्कूल था जा रहे हो, मैं, 10 घंटे लेकिन पढ़ रहे ऑडियो हो उनकी आप। सुनता यस, रहता था और जो स्कूल और के बच्चे अपने चल रहे हैं आराम आपस से में ध्यान बातचीत हो रही है वो लगा सब के आप गाड़ी उठाता है इंसान चलाते का रहते थे। जहाँ जहन बड़ा मजा होता तो है अच्छा एक्सपीरियंस था, सही बात। मजा आया। जैसे कि हमको पता ही नहीं था, धन्यवाद। हमको कितनी सारी चीजें इंदौर से निकलने की बात तो थी, 10 तरह कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन जो हमको मालूम नहीं था, हमको सारी दिन लगता मूड खराब होता है। हाँ यार मूड खराब कर दिया यार, मूड खराब कर दिया, सब लोग मूड खराब कर दिया, दिल्ली के बोले गए मूड क्या होता है, बोले मूड होता है। हाँ ठीक है। हाँ साहब, हाँ हमको तो भाई लोग अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धारी देवी मैया का मंदिर। जैसा हम जा रहे थे तो उस दिन नवमी का दिन था और काफी भीड़ भाड़ थी पूरे एरिया में। आज भी भीड़ भाड़ है लेकिन उस दिन के मुकाबले भीड़ भाड़ कम है। और देखिए रोड के दोनों तरफ, ये पहाड़ी एरिया में थोड़ी सी इश्यू रहता है क्योंकि पार्किंग के लिए एज सच पार्किंग लॉट्स होते नहीं है, तो लोग क्या करते हैं रोड के किनारे पे ही गाड़ी लगा के चले जाते हैं, जो कि कुछ ऑप्शन है भी नहीं, उसका कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन थोड़ा ट्रैफिक उस वजह से स्लो मूविंग हो जाता है। तो धारी देवी मैया को हमने गाड़ी में से ही प्रणाम किया, और क्योंकि इस बार समय था नहीं तो हमने बोला भैया अगली बार मिलेंगे, अभी के लिए दूर से राम राम और मिलते हैं आगे। सी यू, बाय। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, बेल की पत्तियां। भैया समय हुआ है शाम के 3 बजे हैं, 3:12 फॉर एग्जैक्ट। और ये देखिए साहब बोर्ड लगा हुआ है, बद्रीनाथ 225, केदारनाथ 157। केदारनाथ हम करके आ गए हैं खाड़ी और गजा के लिए स्ट्रेट। और ये जो आपको दिख रहा है क्या सुंदर नदी है, ये यहाँ से चली है बहुत ही बढ़िया, और आगे जाके होता है संगम देवप्रयाग पर। बट अभी हम हो रहे हैं थोड़ा सा लेट, डिले मैकेनिज्म चल रहा है, सो हम रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते हैं। सी यू, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, समय हो गया है शाम के 4:50। देखिए क्या शानदार ब्रिज के ऊपर से हम लोग निकल रहे हैं, और आज हमारा प्लान है त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती सुनने का। इस प्लान में हमारे साथ रहेंगी हमारी बेटी अग्रिमा सर। अग्रिमा क्या विचार है बेटा आपके, आप इंटरेस्टेड हो गंगा आरती में? और ये बस वाला बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए भाई देखो क्या पागल लोग हैं, देखा आपने? देख लो पूरी रोड घेर के होगी, उस लाइन में जाना था ना। देख लो ये लाइन
हम कहाँ जाएं? ऋषिकेश जाने के लिए। हम कहाँ जाएं बाबू? तो उतार के उनके डंडे बजाने चाहिए सब ठीक है। चलिए साहब मिलते हैं आपसे आगे। See you. तो देखिए साहब ये तो वो हाईवे है जो देवप्रयाग वाली साइड से आ रहा है और इससे हम घूमेंगे थोड़े 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 राइट तो आपको दिखाई देंगी गंगा मैया और थोड़ा राइट चलेंगे तो यहाँ दिखाई देंगे कुछ जनता जो एंजॉय कर रहे हैं व्हाट ए लवली वाइट सैंड बीच। और उसके बाद आप इस तरफ चलेंगे तो आपको दिखाई देगा एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट और ये आसमान का कलर देखिए। और लास्ट में आपको दिखाई देगी एक महान बालिका अग्रिमा सिंह। भैया कब से नोट रहे थे हम कुल की आगे। मेरे प्यारे घुमक्कड़ दोस्तों, मैं घूमने निकलता हूँ तो उसका जो मेरा सबसे तगड़ा मोटिवेशन रहता है वो रहता है खाना। मुझे हर स्टेट का और स्पेशली नॉर्थ का जो ये अपना स्नैक्स वगैरह है बहुत पसंद है और उसमें से एक है आलू की टिक्की। अगर हम नॉर्थ में आए और आलू की टिक्की नहीं खाई तो हमारे नॉर्थ में आना बेकार है। बहुत ही शानदार ऋषिकेश में ही खाई आलू की टिक्की। धन्यवाद। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए त्रिवेणी घाट ऋषिकेश। यहाँ आने की सोनिया की काफ़ी इच्छा थी मिलकी और मेरा भी मन था और यहाँ आकर जब हम पहुंचे तो आरती तो समाप्त हो चुकी थी लेकिन जो वाइब्स थी इस एरिया की जो फील जिसको बोल सकते हैं जो भाव बोल सकते हैं वो बहुत ही शानदार मतलब एक यहाँ के ऐसा एक अच्छी शांति सी महसूस हो रही थी कैसे लग रहा था। और ये देखिए ये मुझे लग रहा है महाभारत के टाइम का सीन है। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता सार का ज्ञान दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया मतलब एक ऋषिकेश जो जगह है यहाँ के बारे में जो कहा जाए तो मेरे बारे में मैंने जो मेरे को महसूस हुआ वो यह है कि इस लोकेशन का वाइब्स बड़ी प्यारी है मतलब हर किसी को यहाँ आके इसे योग नगरी भी कहा जाता है। इवन दो फॉरनर्स वगैरह भी आके यहाँ पे योग सीखते हैं। बहुत ही बढ़िया शांति वाली ज़िंदगी अगर आपको चाहिए तो ये बहुत बढ़िया जगह है। हरिद्वार के बाद हम लोग एक जगह सीएनजी भराने के लिए रुके थे तो आगे जो ये गाड़ी आपको दिख रही है जिसमें लोग सवार हो रहे हैं इस ये गाड़ी के जो सवारियाँ हैं शायद ये गंगा स्नान के लिए आए होंगे हरिद्वार। लेकिन भाई इसमें कम से कम नहीं तो 50 एक आदमी में बैठ चुके थे ऑलरेडी और कैसे इन्होंने इसकी सेटिंग करी कैसे इन्होंने बीच में पार्टीशन करके लोग भर मतलब ख़तरनाक तरीके से भरे हुए थे। तो मैं इसीलिए कैमरा ऑन किया और मैं सोनिया को यही बात बता रहा था कि भाई कैसे ये लोग बैठे हुए हैं इसमें गजब अजब गजब माहौल है। रात के 2:30 बजे हम लोग गुड़गांव और दिल्ली को क्रॉस करके पहुँचने वाले हैं मारुति कुंज। इससे पहले थोड़ा सीन हो गया था एक जगह पुलिस नाके पे हमारे को एक ट्रैफिक पुलिस वाले साहब ने रोका था और डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए लेकिन उनका इरादा कुछ और था पैसे वसूलने का इरादा था जिसमें हमारी मदद की हमारे मित्र सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह राजू। और अब हम वापस आ गए हैं अपने मारुति कुंज। थैंक यू राजू फॉर योर हेल्प। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।